सब क्या हो रहा है? मिस्टर व्हाइट, क्या आप हमें निकाल रहे हैं? तीन महीने का रेंट नहीं भरा है, मैं और कितना इंतजार करूं? और तुम मेरे कॉल्स भी नहीं उठाती हो, तो तुम ही बताओ मैं और क्या करता। ठीक है, बस मेरे पास इतनी है। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए, और वैसे भी अब कोई फायदा नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। मॉम मॉम मॉम, मैं बहुत डर गया था, वो सब घर में घुसा है, मैं छप गया। ओह बेटा, क्या अब हम यहाँ नहीं रह सकते मॉम? चिंता मत करो बेटा, मामा कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेगी, ठीक है? क्या ये मेरी वजह से है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा दोबारा कभी मत बोलना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छा होता कि मैं यहाँ होता ही नहीं मॉम। हे बेटा, मेरी तरफ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, समझे? और तुम्हारे लिए तुम्हारी मामा कुछ भी कर सकती है, समझे? सुनो, रुक जाओ, अभी ये सब मत करो, ये हम किसी और दिन कर लेंगे, अभी आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, और ना ही मुझे इस बात का अंदाजा था कि प्यार ही मेरी सारी मुश्किल सुलझा देगा। मेरा नाम है रेबेका, और इस तरह शुरुआत हुई मेरी लव स्टोरी की। हेलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें छोड़ने के बाद तुम मुझे कॉल कर रहे हो? फिक्र मत करो, सामान बांधना शुरू कर दिया है मैंने। नहीं, वो असल में मैं आपसे माफी मांगने आया था, मुझे आपकी कंडीशंस जाने बिना ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, तो ओके, पर मैं फिर भी रेंट पे नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन और इंतजार कर लूंगा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब फैसला हो चुका है मैम। थैंक यू, मैं रेंट जल्दी ही पे करने की कोशिश करूंगी, पर अभी हमारी हालत थोड़ी खराब है। स्टीवन की दवाइयों का खर्चा, और खैर मैं बस उसकी सर्जरी के लिए पैसे बचा रही हूँ, इसलिए जरा मुश्किल हो जाती है रोजमर्रा के। ये तो मैं आपको देना ही भूल गया। मैं ये नहीं ले सकती? ले सकती हूँ, क्योंकि आपके लिए नहीं है। ओह अच्छा, हाँ सॉरी। वो उस दिन मैंने देखा कि आपके घर का नल टपक रहा था, तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। नहीं, वो हो जाएगा, मैं किसी को बुलाकर। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं देखूं एक बार। हाँ ठीक है, हाँ। मुझे ये कॉल लेना होगा, काम का है। ठीक है। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या फर्क पड़ता है तुम कहां पर हो? हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं पहले ही बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई थी, और नहीं चाहती थी कि मेरा बीते हुए कल से सामना हो। अकेले इतना सब मैनेज करना काफी मुश्किल होता होगा ना? वैसे मैंने कैबिनेट का दरवाजा ठीक कर दिया है। थैंक यू, मैं शायद ये अकेले नहीं कर पाती, तो वैसे क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगे? मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, पर स्टीवन की फेवरेट डिश है तो। अरे आप इतना परेशान ना होइए, शुक्रिया। मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्टीवन ने सही कहा था, ये वाकई बहुत टेस्टी है।
माफ करना, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो कैसा इंसान है जो स्टीफन जैसे बेटे को छोड़कर जाना चाहेगा, और इतनी खूबसूरत लेडी को भी। वो हमसे हर रोज मिलने आने लगा और अपनी अटेंशन और केयर से मुझे सरप्राइज करने लगा। मैंने ये देखा कि धीरे धीरे स्टीवन भी मिस्टर व्हाइट के साथ घुल मिल गया था, लेकिन मैं घबरा रही थी कि कहीं वो भी हमें छोड़कर ना चले जाएं मेरे एक्स की तरह। सॉरी, मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। बिल्कुल, आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ, ठीक है? काफी रात हो गई है। तुम जा रहे हो? हाँ, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, बाय बाय। मैं ब्रायन से प्यार करने लगी थी, आखिरकार मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला दिन मेरे लिए क्या लाने वाला है। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो मैक्रोनी और चीज के लिए। जस्टिन, तुम यहां, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चले जाओ, निकल जाओ। hey, 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 hey. जाओ। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 4 साल तक गायब रहने के बाद ये सब कहने की? क्यों आए हो यहाँ पर? हम बोलो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, और कौन तुम्हें एक अपाहिज बच्चे के साथ अपनाना चाहेगा? डैड। मेरा बेटा देखो तो कितना बड़ा हो गया है। ओह माय गॉड, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। कैसा लगा? तुम्हें ये पीनट्स के साथ पसंद है ना? मेरा बच्चा। शुक्रिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। दूर हटो। ए रेबिका, मैं कह रहा था कि ये आदमी कौन है? और उस वक्त जैसे मेरे शब्दों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं जाकर कहीं छुप जाना चाहती थी। इसके बेटे का पिता हूँ और इसका एकलौता प्यार भी। इसका हस्बैंड हूँ मैं। हस्बैंड? हाँ, अब बताओ कि तुम कौन हो। नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुम्हें। ब्रायन रुको, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ओ कम ऑन, उसे इस झमेले में क्यों फंसाना? वैसे भी अब मैं जो आ गया। मुझे छुओ मत, छोड़ो, रुक जा। नहीं मॉमी, अब आपसे प्यार नहीं करती। जब इतने सालों तक हमें आपकी जरूरत थी, आप नहीं थे। अब आपकी कोई जरूरत नहीं। आई हेट यू। आपसे अच्छा बर्ताव हमारे लैंडलॉर्ड करते हैं। स्टीवन, मैं चले जाइए, और ये भी ले जाइए, मुझे पीनट से एलर्जी है। अच्छा, तो ये सब पैसों के बारे में है। चलता हूं, घटिया फैमिली। तुम तो बहुत बहादुर हो। मॉम, हमें ब्रायन को वापस बुलाना चाहिए। ब्रायन ने मेरे सारे कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन अचानक सब कुछ फिर से बदल गया। हाय, मैं रियल्टर हूं, इस घर को बेचा जा रहा है। क्या क्या मतलब? आपको मालिक ने नहीं बताया? नहीं। मैं अंदर आ सकता हूं? एक्सक्यूज मी। देखा जाए तो जस्टिन सही कह रहा था, मेरी और स्टीवन की जरूरत किसे होगी? ब्रायन भी कभी ना कभी स्टीवन की वजह से दूर चला ही जाता।
ब्रायन। हाय। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें देख लो एक बार। मैंने ये घर बेच दिया है, इससे कुछ महीनों का रेंट का जुगाड़ हो जाएगा और शायद स्टीफन के ऑपरेशन का भी। तो छोटे प्रिंस को मेरी तरफ से हेलो बोलना, कहना मैं मिस करूंगा। चलता हूं। ब्रायन रुको। तुम खुश रहो अपने एक्स हस्बैंड के साथ। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या? तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है सच में? तुम समझते क्यों नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ देखती हूं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूं। देखो तुम एक बार फिर सोच लो, क्योंकि फिर सारी जिंदगी हर सुबह सिर्फ मेरा ही चेहरा दिखेगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ देखने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या मेरे साथ जिंदगी बिताओगी? सच में? हाँ सच में। साथ रहोगे मेरे? ब्रायन की वजह से मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार आखिर में सब ठीक कर देता है।